माननीय उपसभापति जी, सरकार की ओर से डॉक्टर मैत्रेयन के प्रस्ताव का विरोध अभी कानून मंत्री और मेरे निजी मित्र श्री अश्विनी कुमार जी ने किया और समारोप करते हुए रहबरी के सवाल का जिक्र भी कर दिया। कल के बाद इस सरकार की रहबरी की मेरी चिंताएं और बढ़ गई। जब बहुमत के आंकड़े से 18 आंकड़े कम होते हैं तो फिर अपनी इच्छा से सरकार नहीं चल पाएगी। जो 1 साल और 5 महीने आपके बाकी हैं, जब 272 का आंकड़ा आप छू नहीं सकते लोकसभा में, तो इस सरकार की रहबरी के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको सहारा चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा और पिछले कुछ सालों का इतिहास इस बात का गवाह है कि आपको जब जब इस 253 को 272 बनाने के लिए सहारा और समर्थन चाहिए तो आपको समझौते करने पड़ते हैं, आपको उसके लिए कीमत भी देनी पड़ती है। और इसलिए इस देश की चिंता यह है कि इस देश की जांच एजेंसियों के संबंध में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में, सरकार की अपनी कार्यशैली के संबंध में पिछले 4 साल से तो हम इस समझौते की नीति देखते रहे। इस 272 के आंकड़े को बनाने के लिए और आपकी इस रैबरी को कायम रखने के लिए यह देश और कितनी कीमत देगा, कल के वोट के बाद इसकी चिंताएं और बढ़ गई। इसमें कोई अब संकोच नहीं है कि जो सरकार 253 के आंकड़े को जीत मान ले वो राजनीतिक जीत नहीं होती, वो आंकड़ा एक चिंता को दर्शाता है। आफ्टर दैट फिगर यू आर अ लेम डक गवर्नमेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट विच इज अ वेरी कॉस्टली सपोर्ट एंड एवरी डे यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट सपोर्ट। अब उस कीमत का असर इस देश के शासन पे कितना पड़ता है आने वाले कुछ महीने इसको देखेंगे। कल की बहस का असर देखिए, आपके कुछ ऐसे प्रमुख सहयोगी कुछ सरकार में शामिल हैं कुछ बाहर हैं, वो खुलकर रिटेल ट्रेड खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध करते हैं लेकिन राजनीतिक मजबूरी की वजह से या आपका समर्थन करते हैं या आप वोट डालने से एब्स्टेन कर जाते हैं। लेकिन मैं तो उसका जिक्र करता हूं जो आपकी सरकार में रहकर एफडीआई के सबसे बड़े समर्थक हैं। एनसीपी के नेता आपके कृषि मंत्री हैं, वो हमेशा एफडीआई के समर्थक रहे हैं। पवार साहब, मैंने आज महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का एक बयान देखा कि महाराष्ट्र की सरकार इसको अभी लागू नहीं कर सकती और लागू करने से पहले हमारी पार्टी तय करेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका क्या असर होगा। महाराष्ट्र के उनके नेताओं का बयान है आज। His statement in the other house, we normally don't quote the statements, is very clear कि महाराष्ट्र की सरकार बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय करेगी और उस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता इस वक्त महाराष्ट्र में हैं
वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा ये हम बाद में तय करेंगे, और ये उनकी परिस्थिति है, ये उनकी परिस्थिति है जो आपकी सरकार में रहकर भी इस नीति के समर्थक हैं। जहां तक डीएमके का सवाल है, भारत बंद में वो शामिल होते हैं, इसका राजनीतिक विरोध करते हैं, और जब आप कहते हैं अश्विनी कुमार जी कि आप इस देश की जनता की तरफ से बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अ सेल्फ अज्यूम्ड अथॉरिटी दैट यू हैव अज्यूम्ड टू योरसेल्फ। जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनका प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं, और अधिकतर राजनीतिक दल इसके विरोध में, जो एब्सटेन करते रहे और उस एब्सेंस से आपकी सहायता करते रहे, वो भी कहते हैं कि जिस प्रांत में हमारी सरकार है, किसी कारणवश हम उस प्रांत में इस नीति को लागू नहीं होने देंगे और अपने प्रांत में फॉरेन एफडीआई रिटेल का एक स्टोर खोलने नहीं देंगे। आपके जो मंत्री कल बोले थे सिब्बल साहब, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अपने क्षेत्र में खुलवा लें ये स्टोर, और चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहा है, और उसी स्टोर से अपना चुनाव का अभियान आरंभ कर लें। व्यापारियों का वो क्षेत्र है, तो एफडीआई के ऊपर फैसला हो जाएगा और जनमत भी हो जाएगा कि जिस पीपल के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं कि मैं जनता के बिहाफ पे बोल रहा हूं कि वो जनता इस संबंध में क्या नीति अपनाती है। उपसभापति जी, ये विषय इसका नहीं है कि कौन आर्थिक सुधारों के पक्ष में है, कौन खिलाफ है। इस देश के संबंध में आर्थिक सुधारों की परिभाषा क्या होगी? क्या पश्चिम के कुछ विकसित देश उस परिभाषा का पैमाना तय कर दें और हमारे देश में कुछ लोग उस परिभाषा का समर्थन करना शुरू कर दें, हर हम सब उसी परिभाषा को आर्थिक सुधार मान लें? एफडीआई आए, कभी एनडीए की सरकार इसके विरोध में नहीं थी, अतिरिक्त साधन आता है, लेकिन किस क्षेत्र में आए यह निर्णय तो इस देश को करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में आए उसका हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है या नुकसान होता है, यह फैसला तो हमें करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां परिवर्तन लाना अपने आप में आवश्यक हो सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां परिवर्तन लाना बहुत कठोर और नुकसानदेह हो सकता है। हर परिवर्तन सुधार नहीं होता, एवरी चेंज इज नॉट अ रिफॉर्म। और इसलिए कि पश्चिम के कुछ विकसित देशों ने कह दिया कि यह सुधार की परिभाषा है तो हम उसको स्वीकार कर लें, क्या हम में इतनी ताकत है? आप कल जिक्र कर रहे थे कि हल्दीराम को पूरी दुनिया में फैला दें, आप वाणिज्य मंत्री हैं, आप खड़े होकर अमेरिका को कह सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग पे जो प्रतिबंध लगाते हैं ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो ट्रेड बैरियर्स क्रिएट करते हैं बाकी देशों के लिए, ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडीज देते हैं और पूरी दुनिया के कृषि के व्यवसाय को, व्यापार को सबवर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, वो आर्थिक सुधार नहीं है। ये समय आ गया है कि हम आर्थिक सुधारों की अपनी परिभाषा भी उनको सुनानी शुरू करते हैं, और केवल उनकी पर दैट वॉज योर पोजिशन, आई एम नॉट सो श्योर वेदर दैट्स नाउ द पोजिशन। लेट मी क्लेरिफाई, नो let me, since it's a serious matter, let me, the fact of the matter is that remains a firm and consistent position of India and the WTO. I have no difficulty with the position Mr. Kamal Nath took as the commerce minister on FDI and retail. I have serious problem with the position that Mr. Anand Sharma is taking, and I'll quote that position and I'll show you the difference in that position. और इसलिए यह मान लेना कि इसी प्रकार के सुधार को हम लोग स्वीकार कर लें, इसका संदर्भ क्या है भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में?
इस देश में व्यवसाय का, नौकरियों का ढांचा क्या है, व्हाट इज द जॉब स्ट्रक्चर इन इंडिया। इस देश में 51% लोग, आनंद शर्मा जी वो हैं, जो स्वयं को रोजगार देते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इतनी बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या अन्य अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है। जो ढांचागत नौकरियां हैं, स्ट्रक्चर्ड जॉब्स हैं, केवल 18% लोगों के पास हैं। 30% लोग या बेरोजगार हैं या कम काम करते हैं, दे आर आइदर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। इस 51% में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का है, एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आता है खुदरा व्यापार। 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन पीपल प्रत्यक्ष रूप में इस खुदरा व्यापार में से रोजगार लेते हैं। जब 4 करोड़ के इस आंकड़े को परिवारों के साथ जोड़ दिया जाए तो अपने जनजीवन के लिए, अपनी सब्सटेनेंस के लिए 18-20 करोड़ लोग हैं जो इस खुदरा व्यापार के ऊपर निर्भर करते हैं। मेरा पहला इतराज यह है कि जब हम आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको खोलते हो तो अर्थव्यवस्था के एक एक सेगमेंट के ऊपर उसका असर देख लीजिए, और उसके बाद अश्विनी कुमार जी ये अधिकार लीजिए कि लोगों के की तरफ से केवल आप बोलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में 60% लोग कृषि में हैं, और कृषि के क्षेत्र में खूब अंडर इंप्लॉयमेंट है। कृषि का जो योगदान है जीडीपी में, वो केवल 16% बचा है। 60% लोग उस 16-17% आमदनी के ऊपर निर्भर करते हैं, और ये आवश्यकता है कि उस कृषि के क्षेत्र से लोग बाहर निकलें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में उनको रोजगार मिले। बल्क जॉब क्रिएशन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज क्या स्थिति है? हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा विश्वास है कि बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन आया है। द एसेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड टुडे इज that consumers buy products which are cheaper and of good quality. Nobody consciously buys costlier products, and that is why the pendulum has now swung in favor of low cost economies. Agar aapko apne manufacturing sector ko mazboot banana hai to aapka low cost manufacture kaise hoga, aapko uska prayas karna hai. Us low cost manufacture ke liye aapke udhar loan saste hain ki mehenge hain, aapki byaj dar kya hai, आपकी यूटिलिटीज की परिस्थिति क्या है, आपके पावर कॉस्ट क्या है, आपके पावर क्षेत्र के रिफॉर्म्स और सुधार क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, ये सारी ऐसी विषय हैं जो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमत बढ़ती है या कम होती है इसको फैसला करती है। कोई भी बाजार में जाकर जब सस्ती चीज मिल रही है तो महंगी नहीं खरीदेगा। आप अमेरिका की स्थिति देखिए, जब अमेरिका में छोटे स्टोर्स थे तो